bipolar world, unipolar world, a competition shuru hua among states without realizing ki jab hum power ki taraf jayenge, this is power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Jab aap taqat zyada chahenge, jab aap dictate karna chahenge, what will happen? Humanity will suffer. But humans on the face of this globe is dependent on what? Is after the divine power, Allah ke baad, they are dependent on environment. Saaf peene ka paani, saaf hawa, saaf environment. Wo jo cheez mera aur aapka khasa tha bacho, jis jo buniyad meri aur aapki thi, jo musalman ka khasa tha, jo Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyin ki 23 saal nabuwat ki zindagi mein jo cheeze emerge karke aaye ki safai nisf iman hai. Aap sallallahu alaihi wasallam aaj kisi ko bataye, aap sallallahu alaihi wasallam apne ghar mein khud apne haathon mubarak se safai karte. Aap sallallahu alaihi wasallam har ghar mein jab bhi jaate talqeen kya karte, safai ki maqsad kya hai कि आज मुझे और आपको एनवायरनमेंट के बारे में एक गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? Who is now trying under the umbrella of UN trying to convey and to educate you कि आप मोर रिस्पॉन्सिबल बने? नई इस्तेलाएं आ रही हैं, सोशल कंप्लायंस, एनवायरमेंटल कंप्लायंस, सिक्योरिटी कंप्लायंस, WTO, दुनिया की तमाम चीजों में आज मुझे और आपको बताने वाले कौन है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये लिस्ट बहुत लंबी है. ये तो मेरा और आपका खासा था. आज हम अपनी बुनियाद खो चुके, आज हम डिस्कनेक्ट हो चुके दुनिया से विद ड्यू रिस्पेक्ट. आज डिसिल्यूशन है, आज कंफ्यूज वाइब्स है. एक तरफ कतरा गिरता है आसमान से बारिश की शक्ल में, एंड आई नीड योर अटेंशन प्लीज. वो कतरा जैसी जमीन पे गिरता है, उसको सांप पिए तो जहर बन जाए, उसको जमीन जिस जो तरसती है पानी के लिए, जब वो पानी जमीन को मिलता है उससे अल्लाह सब्जा और बागात और मेवे निकालता है. वही कतरे का पानी जब माल मवेशी पीते हैं तो अल्लाह उनसे दूध पैदा करता है. तो सवाल ये है कि आज मेरी और आपकी अप्रोच की वजह से हमने एनवायरनमेंट को इस लेवल पे कि बारिशें होना कम हो गई. यही इस्लामाबाद में बारिशों का क्या होता, बारिशें क्यों खत्म हो रही है, डिफॉरेस्टेशन व्हाई इट हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे. हम दुनियावी चीजें ब्रांडेड कपड़े पहन के, बड़ी गाड़ी, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ना, अच्छी चीज अच्छी जगह पे घर लेना, किसी मुल्क का विजिट करना एक फैशन बन चुका है. बट वी आर नॉट रियलाइजिंग वेयर एवर वी गो इफ द एनवायरमेंट इज नॉट फीजिबल वी विल सफर. और आज मैं आपको बताता चलूं कि ये प्राइम मिनिस्टर और अदर प्राइम मिनिस्टर के जो इनिशिएटिव था केपी में, बिलियन सुनामी ट्री, IUCN, तमाम ग्लोबल जो की स्टेक होल्डर्स है उन्होंने अप्लॉड किया. इससे पहले यह अवेयरनेस क्यों नहीं थी, क्यों ये नहीं सोच रहे थे कि साफ पानी, पीने का पानी प्रायोरिटी पे होगा तब जब आपके पास फॉरेस्ट होंगे, जब आपके पास रिजर्वॉयर्स होंगे, जब आपके मुल्क में पानी डिप्लीट से डिप्लीट होता जा रहा था, जब स्मॉल डैम्स और बड़े डैम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, जब कंफ्रंटेशन थी, एवरीवन वाज एट अ ड्रगर स्टॉन्ड, कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था. तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनके डायरेक्टर्स पे केपी से दुनिया हैरान हुई. ओनली अ प्रोविंस हैड द एबिलिटी एंड करेज कि एक ऐसा इनिशिएटिव लेके दुनिया हैरान हो. एक अरब से अब 10 अरब की तरफ नया पाकिस्तान जा रहा है इंशाल्लाह. बड़ी सोच, जब बड़ी सोच होगी, फॉर एग्जाम्पल आप कौम की बेटी हैं, आप हमारी इज्जत है, आप हमारा मुस्तकबिल है, आप बुनियाद है इस मुल्क और इस मुआशे की, सब चीजें अल्लाह के बाद आपसे जुड़ी हुई हैं. जब आप को इज्जत ना मिले, जब आप पे इन्वेस्ट ना हो, जब आपको रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज ना हो, व्हाट विल हैपन? यही हालत रही इस मुल्क के तमाम की स्टेक होल्डर्स की. अवेयरनेस
थी या नहीं थी, पॉलिसीज थी या नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज थी या नहीं थी, रिसोर्सेस थे या नहीं थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल विल नहीं था, सोच नहीं थी, अपनी साथ से हर चीज रिलेटेड थी। मुझे फायदा है तो ठीक है, वरना कोई जिसका कुछ हो सो हो। मेरी आपसे हम्बल सबमिशन ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब ये आइडिया दिया और नेचर को टू गो बैक टू योर रूट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या खूबसूरत एक कोटेशन है कि व्हेन पेरिस गेट्स कोल्ड द होल यूरोप सीजेस। आज पाकिस्तान में 2018 खत्म होने का आखिरी महीना, दिसंबर का महीना है और बारिश और ठंड नहीं है। हम पिछले साल आपने पंजाब में देखा क्या हालत थी, हेज फॉग इस लेवल का था, पोल्यूशन क्यों, इसलिए कि कभी किसी ने सोचा नहीं। आपसे और आपको यह बताना है कि दिस गवर्नमेंट हैज कम अप विद एन अप्रोच कि जहां पे ह्यूमन डिग्निटी इज प्रायोरिटी नंबर वन, जब इंसानों पर पैसा लगेगा, जब इंसानों की सोच होगी, उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें, चाहे वो जमीन है, चाहे वो सब्जा है, चाहे वो बागात है, चाहे वो फॉरेस्ट है, एवरीथिंग। 6 हफ्ते पहले मैंने अपनी टीम को बुलाया कि इस्लामाबाद में कोई ऐसी एक्टिविटी करें जहां पे की स्टेक होल्डर्स आपको एंगेज किया जाए। बड़ी डिलिब्रेशंस हुई, हमारे लिए मिसालें, बदकिस्मती से हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, अपनी बुनियाद से अब इंटेक्ट नहीं रहे, एक्सप्लोर नहीं करते। मैं जरा एक फिगर आपको बताता चलूं ताकि आप में एक अर्ज पैदा हो। जब आप पाकिस्तान को इज्जत नहीं देंगे, आप कौम की बेटियां, जब आप अपने मां बाप को इज्जत नहीं देंगे, कोई गैर इज्जत नहीं देगा। इस मुल्क को और आपसे जुड़ी हुई वो तमाम चीजें अल्लाह और अल्लाह की महबूब तक से नीचे आके धरती मां और इस मुल्क और इस मुल्क के तमाम बासी ये आपसे जुड़े हुए हैं। जब आप फोकस होंगे, जब आप पॉजिटिव वाइब्स देंगे, जितने भी प्रेजेंटेशंस दिए यहां पे 14 odd, उन्होंने हमें मुख्तलिफ आइडियाज दिए, कॉन्सेप्ट दिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, और आइडियाज देने के बाद अगर आप इनके सोल्यूशन हो, पॉजिटिव एनर्जी ना हो, सोशल मीडिया अवेयरनेस टू एंगेज द यूथ या तमाम एकेडेमिया लेवल पर, हर लेवल पर ओनरशिप भी आ जाए, पॉलिसीज भी बन जाए, बट अगर नेगेटिव एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, व्हाट विल हैपन। आज दुनिया आपके पल्स को, आपकी अप्रोच को, आपकी थ्रू गेज कर रही है। जब सोशल मीडिया पे कौम की बेटी, कौम का बेटा, मसलक के नाम पे, मजहब के नाम पे, जबान के नाम पे, इलाके के नाम पे, दुनियावी मुख्तलिफ अप्रोचेस के नाम पे जब पोलराइज करे एक दूसरे को, एक दूसरे को लेट डाउन करे, क्या मैसेज आएगा। आज आप अहद करें कि इस गो ग्रीन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्ले अ ब्रिजिंग रोल नॉट अमंग ह्यूमंस बट द एंटायर सिस्टम ऑफ दिस ग्लोब। फॉर हेवन्स सेक प्ले योर रोल, नेवर अंडरमाइंड योरसेल्फ। बलोचिस्तान की एक बेटी, हजारा कम्युनिटी की, उसने क्या करके दिखाया पूरी कौम के सामने। कौम की बेटियां, कौम के बेटे जब फोकस होते हैं, फिर क्या होता है, दुनिया उनके अप्रोच को एक्नॉलेज करती है। फॉर हेवन सेक इट्स हाई टाइम नाउ, हमने दुनिया को यह बताना है कि जब हम खासकर जब वर्ल्ड कप का मैच हो, हॉकी क्रिकेट का, जब कोई कंपटीशन हो पाकिस्तान का किसी लेवल पे, जब पाकिस्तान के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से दुनिया में परसेप्शन पाई जाए, तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड रिजेक्ट आप होते हैं। तो अब वक्त क्या है,
अभी वक्त कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गमी और खुशी में, सख्ती में, आजमाइश में, खुशहाली में हमने रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस बनना है, हमने सिविलाइज ह्यूमंस बनना है। हम स्कूल कॉलेज अगर रूट्स के बच्चे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चे, वो टाट पे बैठने वाले बच्चे, पाकिस्तान के वो इलाके जिनको बेसिक फैसिलिटीज आप जैसे नहीं अवेलेबल, जो जो डिप्राइव ऑफ द ड्यू राइट्स है, जहां पे वॉशरूम्स नहीं है स्कूल्स में, जहां पे बिल्ड बाउंड्री वॉल नहीं है, जहां पे पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, जहां पे बच्ची डर की स्कूल जाती है, कल्चर इस तरह, जहां पे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ना जाते हो, जहां पे बच्चे जो मदरसे में जाते हो, मेरे और आप किस कौम के बच्चे हैं, उनके और आपके बीच में डिस्कनेक्ट हो, एक दूसरे को मुख्तलिफ नजर से गेज करें, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा मुल्क, एक सोसाइटी कैसे फ्लरिश करेगी। सो दिस नया पाकिस्तान इज अ विजन फॉर ऑल ऑफ यू। दैट अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन अम्ब्रेला, एंड दैट अम्ब्रेला इज पाकिस्तान। हमने तमाम की स्टेक होल्डर्स को इज्जत देनी है, मदरसों के बच्चे उन पर भी इन्वेस्ट करना रियासत की जिम्मेदारी है, मदरसों के स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। अंदाजा करें आपके स्कूल कॉलेज की एक जो भी क्लास 4 सपोर्ट स्टाफ है, अब जरा इसको सोचें इस मुल्क के साथ क्या हुआ। ये गो ग्रीन का नैरेटिव ब्रॉडर एस्पेक्ट है, सो दैट ये ना हो कि इंस्टीट्यूशन की एक अप्रोच सामने रखे हम चीजों पर कंपैरिजन करें। टुगेदर एज पाकिस्तानीज, एज वन टीम, वी नीड टू वर्क सो वी दैट देन एबल टू कंपीट एंड प्रूव इट टू द होल वर्ल्ड दैट वी हैव गॉट द ड्यू एबिलिटीज एंड वी विल गो ऑल आउट इंशाल्लाह। इसके लिए क्लास 4 इस कॉलेज का जो भी है उसकी तनख्वाह, मदरसे में जो मुफ्ती है, जो आलम है, उसकी याद हमें कब आती है? जब हमारे वालिदैन कोई फौत होता है प्यारे, जब खत्म कुरान कराना होता है, जब मुहर्रम आता है, जब मिलाद का रबीउल अव्वल का महीना आता है, जब कोई इम्तिहान हो बेटी या बेटे का, किसी मौलाना साहब मुफ्ती साहब दुआ करें। व्हाई वी हैव नॉट गिवन यू देम ड्यू रिस्पेक्ट, यही रीजन है हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लें, बहुत इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, लेकिन एट पार और सबको बराबरी, सबको इज्जत ना मिले तो कौम नहीं उठेगी। ऐसी है कि एक कॉलेज के आधे एरिया को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो, अगले को डिप्राइव कर दो ऑफ देयर ड्यू राइट्स, ये नहीं होगा नया पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और यही अप्रोच है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कि इस्लामाबाद से एक ऐसा मैसेज आए, इस्लामाबाद से एक ऐसा मैसेज आए कि जैसे 14 इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, रिजल्ट कंपाइल होने जा रहा है। अब मेरे पास टाइम था नहीं एंट्री पे, वो तमाम जो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने आइडियाज लेके फ्लोट किए हैं और दिखा रहे हैं, और मिनिस्टर साहब एक जगह खड़े होके 30 सेकेंड और फिर आगे जाएं, वो बच्चे भी सोचते होंगे कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक अप्रोच है, ये आर्टिफिशियल है नहीं फोटोज के लिए, या एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मैंने आखिरी स्टॉल पे खड़े होकर ये बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर विल होस्ट ऑल 14 इंस्टीट्यूशंस, द एंटायर सीडीए, एमसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर विल लिसन टू योर आइडियाज एंड मेक इट शो दैट इट बिकम्स एन इंस्टॉल। हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बुलाएंगे, हम आपसे चाहते क्या है आखिर दोनों में? देखिए बेटी, मेरी भी 3 बेटियां हैं, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी बाप के साथ और बाप बेटी के साथ, इसको बंदा अल्फाज में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। बेटियां अपने माँ बाप से बहुत कुछ करवाती हैं। आप से एक रिक्वेस्ट है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ। हमने आने वाली नस्लों के अलावा
अपने लिए एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे हमने आए वाली सोच को खत्म करना है और प्रमोट करना है वी वाली सोच को। किस सोच को? वी वाली सोच। कौन सी सोच? मुझे लग रहा है कि मैं शायद टाइम वेस्ट कर रहा हूं। हमें कौन सी सोच प्रमोट करनी है? उसके लिए आपने अपने हिस्से का हर महीने 12 महीने घर के 5 अफराद हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 6 हैं, एवरी मंथ मेक इट अ पॉइंट एनीवेयर इन इस्लामाबाद एक पौधा फी महीना घर का बंदा लगाए, अंदाजा करें और इसमें कितना टाइम लगता है। कोई टाइम नहीं लगता। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेट्स नॉट एडॉप्ट और इनिशिएट एन अप्रोच व्हिच अदर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। डू मोर वाली अप्रोच इसमें पाकिस्तान में नहीं है। लेट्स इनिशिएट आवर ओन आइडियाज एंड प्रूव इट टू द होल वर्ल्ड दैट वी आर हियर टू कंप्लीट द जर्नी। इन द एंड अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। पॉजिटिव एनर्जी शुड बी मेड द ऑर्डर ऑफ द डे। पॉजिटिव सोचें इंशाल्लाह। नाउमीदी कुफर गुनाह है। दिस कंट्री हैज गॉट एनॉर्मस पोटेंशियल। मैं बाहर रहा हूं, बाहर के लोगों को भी देखा है। ये आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, ये मिट्टी जितनी सरफेस है, जितना टैलेंट और पोटेंशियल यहां पे है, दुनिया की कहीं किसी और मुल्क में नहीं है। अब सिर्फ ये है कि एक टीम की तरह खेलना है। एक टीम, एक मुल्क, एक ऐसा पाकिस्तान, एक ऐसी कौम बनना है हमने इंशाल्लाह से। इंशाल्लाह एक ऐसी कौम बनना है कि जिस पर फिर रोजे मैशर के दिन इंशाल्लाह खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फख्र करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Organizers.